नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच को जीतकर भारत ने श्रृंखला में अजय बढ़त ले ली है। आपको बता दें कि आज टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआती झटका पहले ओवर में ही लग गया और रोहित शर्मा बिना खाता खोले बॉलिंग लौट गए, लेकिन इसके बाद कप्तान कोहली और शिखर धवन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 140 पर ले गए। लेकिन तभी 76 रन के निजी स्कोर पर अपना 50 रन पूरे करने के बाद शिखर धवन आउट हो गए, लेकिन कप्तान कोहली का बल्ला वैसा ही चलता रहा। उन्होंने छोटी छोटी साझेदारी पहले रहाने, फिर पांड्या और फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर की और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का साथ लिया और अपनी शानदार शतक की बदौलत टीम को 303 के स्कोर तक ले गए। आपको बता दें कि आज विराट कोहली ने 160 रन की अहम पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत भी खराब रही और बुमराह ने हाशिम अमला को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा कि शायद साउथ अफ्रीका भारत को टक्कर दे क्योंकि डुमिनी ने शानदार अर्धशतक जड़ा था। लेकिन जैसे ही स्पिनरों ने तहलका मचाना शुरू किया, वैसे ही साउथ अफ्रीका की कमर टूटती चली गई और साउथ अफ्रीका के एक के बाद एक बल्लेबाज चलते बने। दोनों ही भारत के स्पिनर चहल और कुलदीप ने चार चार विकेट अपने नाम किए और भारत को 124 रनों की बड़ी जीत दिलाकर भारत को श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त दिला दी। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे ही प्रदर्शन करता रहे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।